स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने कायम की नई मिसाल, दुनिया के सातवें अजूबे ताजमहल को पछाड़ा, एक साल में की रिकॉर्ड तोड़ कमाई। दुनिया की सबसे ऊंची स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बने एक साल ही हुआ है। महज एक साल में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने दुनिया के सातवें अजूबे ताजमहल को पछाड़ दिया है। याद कीजिए, पिछले साल जब गुजरात स्थित केवड़िया में इस भव्य स्मारक का उद्घाटन हो रहा था, तब विपक्षी इसकी आलोचना कर रहे थे। लेकिन महज एक साल में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सफलता ने इस भव्य स्मारक के आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कमाई के मामले में दशकों पुराने दुनिया के सातवें अजूबे ताजमहल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने पीछे छोड़ दिया है। पिछले एक साल में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने 63 करोड़ की कमाई की है, जबकि दुनिया के सातवें अजूबे के नाम से मशहूर ताजमहल ने एक साल में 56 करोड़ की कमाई की है। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की परिकल्पना तभी कर ली थी जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे। ये मोदी का सपना था। साल 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने और साल 2018 में उनका ये सपना साकार हो गया। विपक्ष इस स्मारक की लगातार आलोचना करता रहा है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को मिल रही लगातार सफलता ने ऐसे सभी आलोचकों के मुंह पर ताला जड़ दिया है।